मेरा संदेह उचित था। कैसे ज्ञात हुआ वानर कि मैं छद्मवेश में असुर हूँ? तुमने कहा था ना कि तुम प्रभु महादेव की पूजा कर रहे हो, परंतु ये मंत्र तो अशुद्ध है। ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। तब मैंने सोचा कि कदाचित तुम्हें मंत्रों का उचित ज्ञान नहीं है, परंतु फिर तुमने तिलक के लिए सिंदूर अपनी अनामिका उंगली के स्थान पर अंगूठे से उठाया। जिससे मुझे विश्वास हो गया कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखा रहे हो। तो अब बताओ कौन हो तुम? तुम्हारी मृत्यु हूं मैं। ये लट्टू तो मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरे हथियार की परिधि में जो भी आया वो कभी बच ना पाया वानर। तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो ना? अब ना तुम्हारी बुद्धि बचेगी और ना ही तुम्हारा ये पर्वत के समान शरीर बचेगा, तो मात्र तुम्हारा कंकाल। सर्वप्रथम मुझे इस लट्टू को रोकना होगा। इसकी घूर्णन क्षमता तो रुकी नहीं रही। वानर, तुम अपनी वानर बुद्धि का प्रयोग करते रह जाओगे, परंतु अपने समीप आते इस मृत्यु को नहीं रोक सकोगे तुम। इसका प्रभाव तो मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे इसे बचना होगा, किंतु कैसे? ये लट्टू संचालित डोर। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। सखा Thank you.
धूर्त वानर। अब तुम्हारी लट्टू संचालित डोर मेरी ओर है। मुझे वो वापस दे दे वानर। मेरी लट्टू संचालित डोर मुझे वापस दे वानर, दे मुझे वापस वानर, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं वानर। अब हनुमान इसी के अस्त्र से इसका संहार करेगा। इस लट्टू को हर कोई नहीं चला सकता वानर, तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को अपनी ओर खींच लिया है वानर। अब नहीं बच सकता तू वानर। क्रोंचा का अंत हो गया, इसका अर्थ है अवश्य कोई भयंकर शत्रु लंका नगरी में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। परंतु इस लंकिनी के होते हुए इस लंका भूमि पर कोई पांव तक नहीं रख सकता। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी, वो जो कोई भी हो। लंकिनी के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। लंकिनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। हा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 
बंद चौकस नगरा, रात्र दिवस आठों पहरा, देख पवन सुत मन में विचार, हर लो लघु आकार, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान की ये युक्ति अवश्य सफल होगी, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। जय श्री राम। किसके विकराल नेत्र हैं जो इतने उग्र भाव से हनुमान को देख रहे हैं? जीवित वापस नहीं जा पाओगे। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान इस बाधा पर भी विजय प्राप्त करेगा। उद्दंड वानर, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी दृष्टि से बच जाओगे? लंकनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा, बिना मेरी अनुमति के कोई कीट भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, और तुमने ये दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है वानर। लो अब भोग दो उसका दंड। देख तेरी मृत्यु तेरे समीप है। अच्छा तुम मुझसे बच गए। बहुत चतुर समझते हो ना तुम अपने आप को वानर। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी चतुराई से कब तक बच सकते हो। Hmm.
अग्नि को अपनी स्फूर्ति दिखाकर अपने बचाव कर रहे हो कपटी वानर। तो लो, अभी मैं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से परिचित कराती हूँ। ये तो अदृश्य हो गई। बहुत हो गया, हनुमान को अपने कार्य में विलंब हो रहा है। पुनः बच गया ये कपटी वानर। पीछे स्वयं पर घात लगते ही सामने आ गई ना लंकिनी। को छकाकर उसे और क्रोधित करने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है कपटी वानर। कहा था ना, लंकनी तुझे मसल कर रख देगी। पुनः बच गया ये चतुर वानर। लंकने के साथ क्रीड़ा। लंकने के साथ क्रीड़ा। मसल देगी लंकनी तुम्हें।
कोई साधारण वानर नहीं हो, किंतु जो भी हो लंकनी के हाथों से नहीं बच सकते। लंकनी के प्रहार से अब तुम बच नहीं सकते वानर। कहाँ गया वानर? इस बार आपका प्रहार रिक्त नहीं जाने देगा हनुमान। हनुमान इस राक्षसी को छकाकर अपना बचाव करने में समय व्यर्थ नहीं कर सकता। प्रतीत होता है मुझे इसको अपना वास्तविक रूप दिखाना होगा। अब ये लंकनी तुझे नहीं छोड़ेगी। क्षमा कीजिएगा, हनुमान के पास आपसे युद्ध करने का समय नहीं है। हनुमान एक नारी पर वार कर युद्ध की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता था, इसीलिए मात्र अपना बचाव करता रहा, परंतु अब आपके प्रहारों का प्रतिउत्तर देना आवश्यक हो गया है। हनुमान को अविलंब लंका नगरी में प्रवेश कर माता सीता को ढूंढना चाहिए। जय श्री राम। क्षमा कर दे महाबली हनुमान। हनुमान को बल से नहीं रोक पाई तो प्रतीत होता है मुझे छल से रोकने का प्रयत्न करेंगी आप। नहीं कपिश्रेष्ठ, जिसको आपने अपने एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया हो वो आपसे छल कैसे करेगी कपिवर।
आपने तो मुझे दर्शन देकर मुझ पे दया की है कपिवर। मुझे तो सदियों से आपकी प्रतीक्षा थी। मेरी प्रतीक्षा? हाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान, ताकि आप मुझे इस पाप की नगरी की सुरक्षा के दायित्व से मुक्त करें। हनुमान कुछ समझा नहीं माता? मैं समझाती हूँ कपिश्रेष्ठ। जब देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इस स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण किया था, तभी मैं इसकी रक्षिका नियुक्त की गई थी। तब धनेश कुबेर इस भव्य स्वर्ण नगरी लंका के स्वामी थे, परंतु इसके निर्माण के कुछ ही समय पश्चात उनके सौतेले भ्राता रावण ने कुबेर जी को युद्ध में परास्त कर उनसे लंका छीन ली। नीचे उतारिये भ्राता कुबेर, उतारिये। आपके स्वर्ण नगरी लंका हमारे आपके अद्भुत पुष्पक विमान यहां तक के आपका ये सिंहासन सब कुछ मेरा हुआ, लंकेश दशानन रावण का। हम चाहते तो आपके प्राण भी ले सकते थे, किंतु सौतेले ही सही, आप हमारे भ्रातृ तो हैं। यदि तुमने मुझे अपना भ्राता मानकर अनुरोध कर मेरे प्राण भी मांगते रावण, तो सहर्ष मैं दे देता, परंतु तुमने तो शत्रु बनकर मेरा सब कुछ छीन लिया, और छीना हुआ अधिकार, छीना हुआ पद, छीनी हुई संपत्ति कभी नहीं टिकती, कभी नहीं फलते। दुश्मन रहे रावण, जो कुछ तुमने आज मुझसे छीना है, एक दिन वो सब कुछ तुमसे भी छीन जाएगा। तुम्हारे साथ तुम्हारा कुल, तुम्हारा वंश, ऐश्वर्य, तुम्हारा सुख, जीवन सब ले जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा तुम्हारे पास, और उस दिन समूचे राक्षस कुल के साथ तुम्हारा सर्वनाश होगा रावण, सर्वनाश होगा। हम दशानन लंकेश रावण है। लंकेश दशानन रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। सुनो, रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। उस दिन कुबेर जी तो लंका त्याग कर चले गए, परंतु मैं कहां जाती? मेरा तो जन्म ही लंका नगरी की रक्षा के लिए हुआ था। इस भव्य और सुंदर नगरी को अपने नेत्रों से पाप और भोग विलास की नगरी बनते देखने के लिए मैं विवश थी। समय बीता और दशानन रावण और भी शक्तिशाली हो गया। उसने अपने भ्राताओं के साथ अपने तप से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया और मनचाहा वरदान भी पाया। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, विद्याधर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर? नर एवं वानर वो तो तुच्छ हैं, पर पितामह, उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवध्य होने का वरदान चाहिए मुझे। तथा तब मैंने ब्रह्मा जी से ही अनुरोध किया, जहाँ दिन प्रतिदिन पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, उस लंका नगरी की रक्षा के दायित्व से मुझे मुक्त करें। तो उन्होंने मुझे ये कहकर आश्वस्त किया, पुत्री, जिस दिन एक वानर लंका में गुप्त रूप से प्रवेश होगा, वही दिन तुम्हारी मुक्ति का दिन। परंतु प्रभु, मैं उस वानर को पहचानूंगी कैसे?
उस महाबली वानर के एक ही मुष्टि प्रहार से तुम मूर्छित हो जाओ, तब समझ जाना कि तुम लंका के सुरक्षा के दायित्व से मुक्त हुई। और ये भी, रावण, उसकी आसुरी सेना एवं लंका के अंत का समय निकट आ गया। मुझे उस विशिष्ट और परम बलशाली वानर की प्रतीक्षा रहेगी प्रभु। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे वानर श्रेष्ठ, उसी दिन से ये लंकनी आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। आपकी मुक्ति का माध्यम बनकर हनुमान अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है देवी, परंतु हनुमान तो यहाँ माता सीता को उनके कष्ट से मुक्त कराने आया है। मुझे अति शीघ्र ज्ञात करना है कि वो लंका में कहाँ स्थित हैं। हे वानर श्रेष्ठ, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं कि उस दुष्ट रावण ने इस मायावी नगरी के किस मायावी कोने में उन्हें छुपा कर रखा है, परंतु मुझे विश्वास है कि आप उन्हें ढूंढने में अवश्य सफल होंगे। आपका यहाँ आगमन इस बात का संकेत है कि अब लंका और लंका नरेश का अंत अत्यंत निकट है। हे चामुंडा देवी, जब तक आप यहां उपस्थित हैं, मैं आश्वस्त हूं कि लंका नगरी और लंका नरेश को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तो हनुमान को भीतर जाने की आज्ञा है ना माता? अब मेरे पास आपको रोकने का अधिकार कहां शेष रहा? आपने तो मुझे इस कार्य से मुक्त कर दिया है हनुमान। आप निसंकोच लंका नगरी में प्रवेश कर अपना कार्य पूर्ण कीजिए कपिश्रेष्ठ हनुमान। मैं भी प्रभु ब्रह्मदेव के धाम जाकर उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जय श्री राम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे देव, मुझे विश्वास है आप अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। आपकी कृपा से कोई भी ऐसा व्यक्ति या जीव लंका में प्रवेश नहीं कर सकेगा जो लंका या लंका नरेश मेरे स्वामी के लिए संकट उत्पन्न कर पाए। Thank you.
इंतजार कर। ये क्या संकेत दे रही है चामुंडा देवी? सच में कोई बिना अनुमति लिए लंका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है? ऐसा विचित्र प्रभाव है ज्वाला का। संकेत अर्थात लंका की रक्षिका देवी चामुंडा अवश्य क्रोधित है। अवश्य ही किसी ऐसे व्यक्ति ने लंका में प्रवेश करने का प्रयास किया जिससे लंका या रंकेश पर संकट आ सकता है। मुझे शीघ्र ही जाकर स्वामी को सूचना देनी होगी।
देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम् नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम् नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्दुरूपिण्य सुखाय सततम् नमः। ॐ कल्याणे प्रणता वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। ॐ रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्दुरूपिण्य सुखाय सततम् नमः। ॐ कल्याणे प्रणता वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। नैरृत्ये भूभृतां लक्ष्मे शर्वाण्ये ते नमो नमः। लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। शांत माता शांत, आपके इस क्रोधित और विकराल रूप के पीछे छिपे हुए सौम्य एवं शांत रूप से मैं भली भांति परिचित हूँ। वो सुंदर और मनोहर रूप जिससे महाजोगी भगवान शिव शंकर भी सदैव मोहित रहते हैं। रक्षिका देवी अधिक क्रोध में स्वामी, अनिष्ठा के संकेत मिल रहे हैं। कहाँ हैं आप स्वामी? महारानी मंदोदरी, अग्नि, तेरा ये दस्ताहस आज आप प्रातः काल से ही कुछ व्याकुल सी हैं। लंकनी क्रोचा सबको सतर्क कर दिया है मैंने, यहां तक कि मैं स्वयं भी यहां उपस्थित हूं, फिर आप किस लिए इतनी चिंतित हैं? क्यों महारानी मंदोदरी? स्वामी, स्वामी प्रातः काल से अपशकुन हो रहे हैं और अब तो देवी चामुंडा के मंदिर में उनका रूप दहकती हुई अग्नि की तरह दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है कि देवी अति अधिक क्रोध में है। स्वामी, स्वामी अनिष्ट के संकेत मिल रहे हैं, आप स्वयं मंदिर चलकर देख लीजिए। माता, जिस पर आपकी कृपा हो वो तो आपको किसी भी रूप में पहचान लेगा। मैं हनुमान हूँ। एक समय प्रभु महादेव और स्वयं आपने
वैद्य वैदिनी का रूप धारण करके मेरा मिलन प्रभु श्री राम से करवाया था। उसी क्षण मैंने आपके उस रूप के दर्शन किए थे माता, जिसे महादेव भी अपलक देखते हैं। अपने उस रूप के दर्शन दीजिए माता। अपने उस रूप के दर्शन देकर हनुमान को कृतार्थ कीजिए माता। आइए स्वामी, स्वयं अपने नेत्र से माता का रौद्रित रूप देख लीजिए। लंकेश दशानन, रावण का आपको प्रणाम है। देवी चामुंडा, ये कैसे हो गया? स्वामी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूं। अभी कुछ क्षण पूर्ण इन दीपकों की ज्योति ज्वालामुखी भांति भबक रही थी और माता के चारों ओर उनकी क्रोध की अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही थी। ये देवी के क्रोध की नहीं, आपके भ्रम की अग्नि है जो बार बार भड़क रही है। असुरों की महारानी को यह शोभा नहीं देता। महारानी मंदोदरी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप उस लंकेश की पत्नी हैं जिससे नवग्रह भयाक्रांत रहते हैं, जिसका नाम सुनते ही देवता कंपित हो जाते हैं, जिसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता। आप उस रावण की पत्नी हैं। माता, मैं यहाँ किसी का कोई अहित करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। मैं तो मात्र इसलिए तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य मैं भाप चुकी हूँ। हनुमान, तुम यहाँ देवी सीता को ढूंढने आए हो ना, जिनके विक्षोभ में तुम्हारे प्रभु श्री राम व्याकुल हैं। ये कार्य लंकेश रावण का ही है। आश्चर्य है माता, जब आपको सब ज्ञात है तो आपने मुझे क्यों रोका? उस दुष्ट रावण और उसके इस पाप की नगरी लंका की रक्षा क्यों कर रही हैं आप माता? भगवान शिव की अर्धांगिनी और जगत जननी माता पार्वती को ये सब क्यों करना पड़ रहा है माता? ये विवशता है मेरी। विवशता? आपको कोई कैसे विवश कर सकता है माता? तुम जानना चाहते हो तो सुनो हनुमान। रावण कुशल संगीतज्ञ है। एक समय महादेव के भक्त रावण ने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए संगीत और स्तुति को माध्यम बनाया। ऐसा मधुर संगीत था उसका कि संपूर्ण ब्रह्मांड संगीतमय हो उठा। जटाटवी कलज्वर प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां कुचंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद मट्टवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवं।
जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्ध गद्ध गज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरति गंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रवत्थ कंधरम स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदाद कच्चिदं समंत कच्चिदं भजे जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमत् भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुर कराल भाल अव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिद्धनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम् रावण मेरे प्रभु ये सत्य है माता, संगीत के माध्यम से शीघ्र ही आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। इसीलिए महादेव शिव भी संगीत के स्वरों से प्रसन्न होकर खींचे चले आए। हाँ हनुमान, रावण ने स्वामी को प्रसन्न तो किया ही, उनसे वरदान के रूप में प्रभु का आत्मलिंग मांग लिया। आत्मलिंग? हाँ हनुमान, आत्मलिंग स्वामी का ही एक रूप है जो सदैव उनके हृदय में विराजता है। रावण उसे यहाँ लंका में लाकर प्रतिष्ठित करना चाहता था, जिससे उसकी लंका सदैव के लिए अजय एवं अभेद्य हो जाए। प्रभु तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने अवश्य ही रावण की इच्छा पूर्ण कर दी होगी। प्रभु तो आशुतोष है, अवगढ़दानी है, अपने भक्त को कुछ भी प्रदान करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। वरदान स्वरूप उन्होंने रावण को आत्मलिंग प्रदान तो कर दिया, परंतु साथ में एक प्रावधान भी कर दिया। तुम्हारे अद्भुत स्तुति और संगीत ने मुझे प्रसन्न कर दिया है रावण, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करूंगा, किंतु ऐसी किसी भी पवित्र वस्तु को ले जाने के लिए उस भक्त को उस वस्तु के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रमाण देना होता है। प्रभु, मेरे ईष्ट, मेरे आराध्य, आपका परम भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति का कोई भी प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत है। तो सुनो रावण, लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे, और दक्षिण समुद्र तक पहुंचने से पूर्व तुम पुष्पक विमान का प्रयोग भी नहीं करोगे। प्रभु, आपके श्रेष्ठतम भक्त रावण की भुजाओं में इतना बल है कि आपके पवित्र आत्मलिंग को मैं लंका तो क्या, समस्त ब्रह्मांड में अपनी भुजाओं में लेकर भ्रमण कर सकता हूं। अब लंका तक आपका पवित्र आत्मलिंग मेरी भुजाओं में
आरूढ़ होकर जाएगा। ऐसे पृथ्वी पर रखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी महादेव। के कथनानुसार ही अब आपका ये भक्त रावण आपके आत्मलिंग को बिना भूमि पर रखे ही उसे लेकर लंका पहुंचेगा। स्मरण रहे रावण, यदि लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में तुमने कहीं भी लिंग को पृथ्वी पर रख दिया तो यह वहीं स्थित हो जाएगा और फिर तुम्हें रिक्त हाथ ही लंका लौटना पड़ेगा। माता, रावण तो महाबली था, वो कैलाश से दक्षिणी समुद्र तक बड़ी सहजता के साथ प्रभु का आत्मलिंग लेकर जा सकता था। हाँ पुत्र, रावण स्वामी के आत्मलिंग को उठाए हुए वन, नदियाँ, पर्वत आदि पार करता हुआ लंका की ओर बढ़ता चला गया। तब देवताओं ने उसके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न की। वायुदेव ने धूल भरी आंधियां चलाई, पर रावण सतत आगे बढ़ता चला गया। ओम नमः शिवाय। वरुण देव ने तीव्र जल धाराओं का प्रयोग किया जिससे रावण गिर जाए और आत्मलिंग का पृथ्वी से स्पर्श हो जाए, परंतु तीव्र जल धाराएं भी रावण के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकी। सूर्य देव ने अपना ताप बढ़ाया और अग्नि देव ने रावण के पंख के नीचे की शिलाओं को इतना अधिक तपाया कि वे कोयला बन गई। परंतु रावण की इस यात्रा को कोई नहीं रोक सका। तो क्या ऐसा कोई भी नहीं था माता जो रावण को लंका जाने से रोक सके? जब शक्ति असफल हो जाए तो युक्ति से कार्य करना चाहिए। रावण की यात्रा को रोकने वाला भी था कोई। यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा, रावण अजय हो जाएगा और उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। उसके अत्याचार और अधिक बढ़ जाएंगे, राक्षसों के दुराचार और पापाचार से सब त्रहिमाम हो उठेंगे। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के लिए भी रावण को परास्त करना असंभव हो जाएगा। हम सभी देवताओं के समस्त प्रयास असफल हो चुके, अब आप ही हमारी अंतिम आशा है पार्वती नंदन। आप सब चिंता मत कीजिए, पिताश्री के आत्मलिंग को लेकर लंका तक रावण को नहीं जाने देगा ये गणेश। प्रणाम देवगणों, आप सब चिंतित ना हो, उस
समय तक रावण कोंकण क्षेत्र में स्थित एक समुद्र के निकट पहुंच चुका था। उसके संध्या वंदन का समय हो रहा था। लंकेश, यदि भक्ति भावना के साथ पिताश्री के आत्मलिंग को ले जाते तो मैं कदापि ना रोकता, किंतु अजय होकर संसार को प्रताड़ित करने की भावना से पिताश्री के आत्मलिंग को ले जा रहे हो, जो अनुचित है। सूर्यास्त हो रहा है और मेरे संध्या वंदन करने का भी समय हो रहा है। महादेव ने तो पृथ्वी पर शिवलिंग को रखने से मना किया था। लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे। फिर मैं संध्या वंदन कैसे करूंगा? कोई आप ये प्रभु का शिवलिंग लिए यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊं उससे तुम्हें क्या? ब्राह्मण बालक, मैं कौन हूं ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हुआ है। उचित होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं तो महादेव का भक्त हूँ, प्रभु का शिवलिंग देखा तो। तुम जो भी हो, मैंने कहा ना पीछे हट जाओ, मेरा पीछा ना करो। फिर क्या हुआ माता? क्या गणेश जी महादेव के आत्मलिंग को रावण द्वारा लंका ले जाने से रोक पाए? भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न तो किया जा सकता है, पर निजी स्वार्थ के लिए की गई भक्ति से कभी फल नहीं प्राप्त होता।